टिकटों के वितरण के साथ ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में कलह और विवाद की खबरें भी सामने आने लगी हैं। ताजा खबर पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है, जहां भाजपा नेत्री अमिता बागरी ने भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये हैं कि एकमुश्त रकम देने से उन्हें भाजपा की टिकट मिली है। गुनौर की भाजपा नेत्री अमिता बागरी राजेश वर्मा की टिकट के बाद बेहद नाराज हैं। उन्होंने बगावत करने का संकेत भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये रुपयों के आधार पर लाई गई टिकट है। बागियों और नाराज दावेदारों से इस क्षेत्र में भाजपा की नींद उड़ी है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही पार्टी के नेताओं के द्वारा खड़ी की जा रही है। वे भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। अमिता बागरी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर गुनौर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मीडिया से रूबरू होते हुए अमिता बागरी ने राजेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वे रुपयों के दम पर टिकट लेकर आए हैं। सुनिए अमिता बागरी की ये नाराजगी। देखिए बिल्कुल सही है, पिछली बार चुनाव भी इसीलिए हारे थे। ये लगातार कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं, मैं खुद उनसे प्रताड़ित रही हूँ और ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं आपके विधानसभा में। अब दो दिन पहले ही हमारी पार्टी में जिन्होंने उनके पिताजी ने आदरणीय लक्ष्मण पाठक जी ने 40 साल पार्टी को दिया, उनके बेटे संग में रहे, उनके ऊपर इन्होंने दो दिन पहले जिला बदल कर आया, एक भाई उनका जेल में है। आप किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं? जो कार्यकर्ता आपके लिए काम कर रहा है, जो संघ से आता, आप उन्हीं के ऊपर केस लगवाते हैं? और भ्रष्टाचार के आरोप तो ऐसे हैं कि उनको हर अधिकारी से आप किसी से भी पूछ लीजिए 500 रुपए की भी वसूली कर लेते हैं। वर्मा जी, सुना तो मैंने भी है मुझसे, लेकिन काश जिलाध्यक्ष जी बात कर लेते तो हो सकता मैं भी टिकट खरीद लेती, लेकिन मेरे से उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। सुना है, सुनी बातों को मैं नहीं कह सकती बिल्कुल। क्या सुना है मैम? यही कि टिकटें खरीदी गई, सारी चीजें सेटिंग होके हुई हैं, हम लोग शायद उस जगह नहीं पहुंच पाए होंगे, उस लाइन पे नहीं पहुंच पाए जहां से टिकटें खरीदी जाती हैं। क्या टिकटों की कीमत भी आंकी जा रही क्या? अब टिकटों की कीमत तो CR के ऊपर ही है। पार्टी का कार्य करती रही और पार्टी के साथ मेरी जो सामाजिक गतिविधियां चल रही थी, जो सामाजिक तौर पे कार्य चल रहे थे, वो आज भी चल रहे हैं। तो जनता के बीच तो सामाजिक मुद्दे लेके ही जाएंगे और जो हमारी जनता के यहाँ के मुद्दे थे उन्हीं का हम लोग ऊपर रखते थे, लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं हर बार, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे पंचायतों की समस्या हो, सिर्फ बातें सुन के कागज में और एक तरफ रख दी गई आवेदन के तौर पे। हाँ, हमने पत्र दे दिया और कभी उसमें सुनवाई नहीं हुई। तो खुद का निर्णय हमारी यहाँ की जनता करेगी। नहीं, मेरे संबंध उनसे बहुत अच्छे थे और शायद भविष्य में भी अच्छे रहे, मैं चाहती हूँ ऐसी शुभकामनाएं, क्योंकि मैंने उनको राखी बांधी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा सुनने में आया कार्यकर्ताओं के द्वारा कि उनका कहना था कि महंगे गिफ्टों से और टूर्नामेंटों से टिकट नहीं मिलती। तो मेरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कहना है कि महंगे गिफ्ट तो हम आपको सिर्फ सम्मान के तौर पे देते थे और सम्मान के तौर पे आदमी किसी को कुछ भी दे सकता है, और टूर्नामेंट कराना मेरा उद्देश्य टिकट पाना नहीं था, यहाँ के युवाओं को बढ़ाना था। तो टूर्नामेंट और महंगे गिफ्टों से टिकटें नहीं खरीदी जा सकती। हो सकता है शायद मुफ्त रकम इकट्ठी देने से टिकटें मिलती हो, भाजपा में इसी हिसाब से टिकटें बटी हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत छोटी सी विधानसभा है और जो आपने यहाँ का वो है वोट बैंक है वो भी काफी कम है।